Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3 linear equations exercise 3.1 question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, हमें इस सिचुएशन को जो भी हमें क्रिकेट टीम के कोच के विषय में बताया गया है उसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन बैट दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल दैट इज इक्वल टू रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें क्या गिवेन है? कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900, मतलब 3x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 3900 एंड लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब कि x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू रुपीज 1300। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई और ये हमारा अलजेब्रिकली जो हमसे सिचुएशन पूछी थी उसका ये आंसर भी हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमें इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा इस फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। देखो, 3 से डिवाइड हो रही है तो ये हमारी आ जाएगी x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1300। ये हमारी एक्चुअली में फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसके पॉइंट्स निकालने होंगे पहले, तो ये हम पहले इसके हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1300, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है सिंप्लीफाई करके। तो x यहाँ लिखा और y लिखा, मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो जब हम y की वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर हमने 0 डाला तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, और x इज इक्वल टू अगर हमने 0 डाल दिया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 650। ठीक है, क्लियर। बहुत ही इजी तरीका है ये पॉइंट्स निकालने का। दूसरे, अब हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन के, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इसके पॉइंट्स निकालते हैं, ये x है ये y है। ठीक है, जब y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, और जब x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300/3। इस तरीके से हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। सो अब हमारे पास पॉइंट्स हैं और हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए x एक्सिस पे 100, 200, 300 लेकर 1300 तक, और यहाँ पर हमने लेट कर लिए 700 तक, क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम 650 है, दैट्स वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पहला वाला ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी किसकी इक्वेशन थी, ये था हमारा x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1300। तो इस इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो 1300 पर 0 है तो एक पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा, और दूसरा है 650 0 पर, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और इनको ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी इक्वेशन किसकी आ गई, ये आ गई हमारी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 की हमारी इक्वेशन ग्राफिकली आ गई। दूसरा पॉइंट है हमारा 1300 पर 0, ये हमारा पॉइंट यही वाला आ जाएगा सेम का सेम। और दूसरा पॉइंट है 0 पर x, 0 पर y है 1300/3, और 1300/3 मतलब कि 430 के आसपास आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इनको भी दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारी लाइन जो इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन जो कि हमारी इक्वेशन थी x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 1300, ये इसकी इक्वेशन आ गई। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशंस की प्लॉटिंग हुई। ठीक है,
होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।